आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है क्योंकि आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। इस विषय में आज हमारी पार्टी के नेता दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह ट्वीट कर कर भी साफ तौर पर ये कहा और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज एक स्वर में ये कहना चाहती है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार ने एक यंग एक्टिविस्ट दिशा रवि को अरेस्ट कर कर किया है, जो पाप किया है वो निंदनीय है और आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, इसे कंडेम करती है। हम ये सोचते हैं कि एक इतनी बड़ी विशाल सरकार, 300 से ज़्यादा एमपीज़ वाली, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक 21 साल की स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट से इतना डरती है कि दिल्ली से पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हैं जो नाराज़ फूफी की तरह बर्ताव करते हैं जब नाराज़ फूफी को शादी में नहीं बुलाया जाता है। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने देश के युवा को नाराज़ फूफी समझकर उन्हें जेलों में बंद करेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज से कुछ ही दिन पहले एक लैंडमार्क जजमेंट ने कहा था, और मैं उसे उस पंक्ति को दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ सिंगल डे इज वन डे टू मैनी। वी मस्ट ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द डीपर सिस्टमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ आर डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को ये चेतावनी दी थी कड़े शब्दों में कि एक दिन के लिए भी अगर किसी की लिबर्टी से, लाइफ एंड लिबर्टी से, अभिव्यक्ति से खिलवाड़ होता है तो वो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और उसकी बहुत भारी कीमत इस देश को चुकानी पड़ सकती है। आज जो दूसरा पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है देश के युवा से। आज मैं अंग्रेजी में कहूं तो मोदी गवर्नमेंट इज एलर्जिक टू ऑपोजिशन बट इज मोर एलर्जिक टू द यूथ ऑफ इंडिया। यंग स्टूडेंट्स बड़ी मजबूती से अपनी बात को इस लोकतंत्र में खुलकर रखते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश का युवा शायद पसंद नहीं जो उन्होंने एक 21 साल की स्टूडेंट को गिरफ्तार किया दिल्ली से, एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस को भेजकर। ये वही भाजपा है जिसके कई सारे नेता, जब मिसेज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय जेल में बंद हुए, जो अपने जेल में बिताए हुए कुछ महीनों को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनकर घूमते हैं, आज भी अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में ये गिनवाते हैं कि मिसेज गांधी की इमरजेंसी में हम जेल गए क्योंकि हमें देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी थी। जो बात बात पर 1970 के दशक की याद दिलाते हैं, आपातकाल की बात करके कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, आज वो लोग उसी हिसाब से एक अघोषित आपातकाल की ओर इस देश को ले जा रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कड़े शब्दों में 70 के दशक में लगाई गई इमरजेंसी की तो कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन आज आप 21 साल के बच्चों को पुलिस भेजकर दूसरे राज्य से बिना ट्रांजिट रिमांड लिए, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करे उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ये आपातकाल नहीं है तो फिर क्या है आपातकाल? आज आम आदमी पार्टी, और मेरा तीसरा जरूरी पॉइंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज आम आदमी पार्टी देश के सारे युवाओं से अपील करती है कि आप एकजुट हो जाइए,
और मिलकर एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की, डिसेंट को सप्रेस करने की, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। हम अपील करते हैं आज देश के युवाओं को, द यूथ ऑफ इंडिया को, कि आप एक स्वर में साथ आकर और स्ट्रांग तरीके से, मजबूती से भाजपा सरकार को जवाब दें और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाएं। आज हम इस लोकतंत्र में बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान जिस देश में लागू है, इस देश में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की आज़ादी है, लेकिन आज एक 21 साल की बच्ची, एक 21 साल की भारत की बेटी दिशा रवि को अरेस्ट कर भाजपा सरकार ने ये दिखा दिया है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है, जो एक 21 साल की बालिका से डरती है, घबराती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। क्या हमारा भारत इतना कमजोर है? क्या भारत के प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमजोर है कि वो एक 21 साल की भारत की बेटी से डर गए और 21 साल की भारत की बेटी को इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही थी? आज ये दिन देखना पड़ेगा इस देश को। मुझे सोच कर भी मेरी रूह कांप जाती है कि उस बेचारी के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, और उसके माता पिता का ध्यान करते हुए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है। आम आदमी पार्टी साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि दिशा रवि को इमीडिएटली रिहा किया जाए, उसे तुरंत प्रभाव से रिहा करा जाए, उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। अगर आप इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया भी देखें, दिल्ली पुलिस के लॉजिक सुने, तो आप भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये अरेस्ट एक एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन है। ये अरेस्ट सिर्फ एक एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन है एक 21 साल की भारत की बेटी का। आज आम आदमी पार्टी इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहती है कि ये 21 साल की एक भारत की पढ़ी लिखी बिटिया को अरेस्ट कर मोदी सरकार ने एक चीज साफ कर दी है, और वो ये है कि भाजपा की सरकार कितनी घबराई हुई है, डरी हुई है इन 3 काले कानूनों को लेकर, इन फार्म लॉस को लेकर जिसका विरोध दिशा रवि कर रही थी। इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है, इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, इतने फियर में है, इतनी स्केयर्ड है, इतनी अफ्रेड है कि आज 21 साल की भारत की बेटी को अरेस्ट कर भाजपा सरकार ये साबित करना चाहती है कि कोई भी 3 काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज ना उठाए।